आदाब, मैं सबनाज और मेरे साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप स्पॉन्सर्ड बाय स्कूल, जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्लेस दर सुविधा, गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इंटू रियलिटी, रेलवे स्टेशन पायल मल्टी प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर में स्थित वन सेंटर एक्सप्रेस में चल रहा है धमाकेदार ऑफर। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। वेलकम टू पायल मल्टी प्लाजा, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर शॉपिंग। हिंद कॉस्मेटिक्स होलसेलर एंड रिटेलर स्टोर्स। हिंद कॉस्मेटिक्स में अवेलेबल है सभी महिलाओं की जरूरत की चीजें। आइए रुख करते हैं खबरों की तरफ। किसी हाल में भी समीर बावरी की अरेस्टिंग होनी चाहिए। इतना बड़ा हादसा होने के बाद अब तक मुलजिम का अरेस्टिंग नहीं हुआ। प्रशासन चुप्पी साधी हुई है या फिर किसी के तर्ज पर काम कर रही है? आज ये बातें एमआईएम नेता मोहम्मद एजाज ने कही। मोहम्मद एजाज ने कहा कि दो दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुसद्दी मोहल्ला के मोहम्मद आमिर और मोहसिन नामी लोगों की पिटाई हो रही थी। हम लोगों ने आरोपी समीर बावरी के खिलाफ थाने में शिकायत भी की मगर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस की ओर से आज समीर बावरी की गिरफ्तारी की मांग पर आसनसोल नॉर्थ थाना के सामने एहतजाज किया गया। देखिए हाँ, ये हकीकत है कि दो दिन पहले हम लोगों के पास एक वीडियो आया जिसमें मुसद्दी मोहल्ला के दो नौजवान आमिर और मोहसिनुल हक को पिटाई हो रही थी। मुरीजकोटा गांव या गारुई का इलाका मालूम हुआ और हम लोगों ने जैसे देखा उसके दूसरे दिन हम लोग सुबह में मोहसिन खान के घर और आमिर के घर पहुंच करके हम लोगों ने ये किया और थाना पे पहुंच करके अर्जी डाली कि जो मुलजिम है जिसने ऐसा काम किया है, बेवैयात काम किया है, लिंचिंग करने का कोशिश किया, उसको अरेस्ट किया गया जाए और FIR का कॉपी हम लोग को मिला भी। लेकिन मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान की जो कानून है वो सारे मजाहिब के लिए एक है और इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद अब तक ये सुनने को मिल रहा है कि जो मुलजिम है उसका अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं मैं फिर एक बार कहूँगा कि प्रशासन जो है चुप्पी साधी हुई है या किसी के तर्ज पे काम कर रही है। मेरा कहना साफ सुथरा कहना है कि वो जेम्स बॉन्ड के तरह पुलिस काम करने वाले आज इतना मतलब नपुंसकता नज़र आ रही है, ये तो नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा हादसा है, वो हिंदुस्तान का कौन कोना में छिप गया है जो अब तक पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही है या किसी के हाथ रखा हुआ है मुलजिम के सर पे कि अब तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है। साफ़ सुथरा कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कल जिस तरह से आवाम के साथ में खड़ा था आज भी आवाम के साथ में खड़ा है। किसी हाल में भी समीर बावरी की अरेस्टिंग होनी चाहिए, अगर अन्यथा अरेस्टिंग नहीं होता है तो हम लोग फिर से इलाकाई लोगों को लेकर फिर से जो हमारे इलाके के पुलिस अफसरान हैं वो OC साहब हैं और IC साहब हैं लोगों के पास फिर हम लोग पहुँचेंगे अब तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है, जबकि पुलिस को अपना काम कर देना चाहिए। कल पुलिस काम नहीं किया था तो हम लोगों को जाना पड़ा था, आज वो बात समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने खबर भी लिया है तो पता चल रहा है कि आरोपी को खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, तलाश किया जा रहा है लेकिन आरोपी मिल नहीं रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं समझ में आने वाली बात नहीं है। मेरा प्रशासन से मुद्दबाना मुफलिसाना मतलब दरख्वास्त है कि आप जल्द से जल्द समीर बावरी को अरेस्ट करें और मॉब लिंचिंग का जो एक्ट है वो भी उसके ऊपर लगाए ताकि हिंदुस्तान भर में मैसेज जाए कि कानून को हाथ में लेना नहीं है, कानून का काम कानून का रखवाला करेगा। आपका नाम? एजाज अहमद, वाइस प्रेसिडेंट MIM पश्चिम बर्धमान। एक घटना गत 10 तारीखे हमारे सामने आसे चंद्रचूड़ मंदिर पास रघुनाथवाड़ी ग्रामे घटना। ये दूजन रेलपार एलाकार दूजन युवक मोहम्मद आमिर और मुस्लिम हक এরা গেছিল, এরা বিভিন্ন জায়গায় ফেরি করে বেড়ায়। হঠাৎ করে তাদেরকে ছাগল চুরির অপরাধ দিয়ে গ্রামের লোক ঘিরে ধরে এবং সমীর বাউরি বলে একটা ছেলে দুজনকে কুকুর বেড়ালের মতো মারছে দেখা যায়। পুলিশের কাছে FIR হয়েছে, আমাদের কাছে FIR কপি আছে। সেই FIR এগেনস্টে এখনও পর্যন্ত সমীর বাউরিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, অথচ যে দুজন মার খেল তাদেরকে অপবাদ দেওয়া হলো তারা নাকি ছাগল চুরি করতে গেছে, ছাগল পাওয়া যায়নি তাদের কাছ থেকে, তারা ফেরি করে খায়। সমাজে যেভাবে ঘৃণার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তারই প্রতিফলন এটা, যে সেই দুজন ছেলে আজকে জেলের ভেতরে যারা মার খেয়েছে তাদের ট্রিটমেন্ট করায়নি, অথচ সমীর বাউরি একজন অ্যান্টি সোশ্যাল, খবর নিয়ে জানলাম যে ওই গ্রামে
তাকে সমাজ বিরোধী হিসাবে তার পরিচয়। সে আজকে 72 ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, এখনো পর্যন্ত তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি কেন? আমরা এটা জানার জন্য নর্থ থানায় এসেছিলাম, যেহেতু এফআইআরটা এখানে হয়েছে, এখনো পর্যন্ত বড়বাবুর কোনো পাত্তা নেই। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ডিউটি অফিসারকে, উনি বলছেন আমি মেজবাবুকে ডাকছি, মেজবাবুর ফোন লাগছে না, বড়বাবু কোথায় আছে জানি না, কোথায় উনি নিদ্রাতে গেছেন। অথচ অ্যান্টি সোশ্যালরা ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশ নিদ্রায়। আমরা জানতে চাই যে আপনারা এই ধরনের ঘটনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন পশ্চিম বর্ধমানের মাটিতে, আসানসোলের মাটিতে, এই শহরকে আপনারা হিংসার বাতাবরণে তৈরি করছেন। যদি অবিলম্বে সমীর গড়াইকে গ্রেপ্তার করা না হয়, এই সমীর বাউরিকে, তাহলে আমরা কিন্তু চুপচাপ বসে থাকবো না। আজকে আপনার থেরার দরজা ঘিরেছি, কালকে রাস্তায় বসবো, পরশুদিন আসানসোলের বিভিন্ন প্রান্তে যাব। আপনারা ভাবছেন কারো রঙ্গুলি হেলনে, কারোর ভোট ব্যাংক মজবুত রাখতে কোনো নেতার, যে রেলপারও ঠিক থাকবে, আমার গ্রামগঞ্জও ঠিক থাকবে, তাই সমীর বাউরির মতন অ্যান্টি সোশ্যালকে ধরবো না, এটা হতে দেবো না। যে সমাজেরই হোক, যে ধর্মের হোক, যে জাতির হোক, অন্যায় করেছে, আইন হাতে নিয়েছে, তাকে এখনো কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি, এটাই আমাদের দাবি। দেখিয়ে 10 তারিখ কো যে ঘটনা ঘটা সামনে আয়া থা, রেল পার কা রহনে ওয়ালা দো বচ্চা জো ফেরি করনে কে লিয়ে জগে জগে যাতা হ্যায় উসকো বকড়ি চোরি কা নাম পে ইলজাম দেকর জিস তরিকে সে উসকো মারপিট কিয়া গিয়া উসকে সাথ মে ओपन उसका वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे और पुलिस थाने में एफआईआर भी हुआ। आज देखा गया है कि मोहम्मद आमिर और मुस्लिम हक, ये दोनों जिसको बेतरीके से मारा गया, मोह बेलेंचिंग हुआ, उसको आप देखिएगा कि वो आज जेल के सलाखों के पीछे, ना ही उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट कराया गया। जब इसका सोशल मीडिया पर जब इसका वायरल होता है, उसके बावजूद जब एफआईआर होने के बाद में भी समीर बौरी आज तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, किसका दबाव पे उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, एंटी सोशल है वो, उसके बावजूद भी पुलिस किसके दबाव पे आकर उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। आज हम लोग यहाँ नॉर्थ थाना के ओसी से मिलने के लिए आए हैं और इसी को लेकर हम लोग थाना के बाहर गेट जाम कर कर बैठे हैं। नॉर्थ थाना का ओसी आएंगे और आके उनको जवाब देना पड़ेगा और हम लोगों का डिमांड है कि जल्द से जल्द अरेस्ट करना पड़ेगा। यदि जल्द से जल्द अरेस्ट नहीं किया गया, इसको लेकर आसनसोल कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग बड़ा आंदोलन पे जाएंगे। बेबी कॉलेज मोड़ के करीब सड़क हादसे में एक तालिबा शदीद तौर पर जख्मी हो गई, इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर राहगीरों की माने तो कॉलेज मोड़ पे सिविक वॉलंटियर रहना चाहिए, यहां बहुत भीड़ हुआ करती है और ऑटो भी खड़े रहते हैं। हम पीछे ही था, फिर आता देख रहे यहाँ पर ये घटना हो गया, ठीक है, ये दुर्घटना यहाँ पर हो गया, लेकिन कहना ही है सिविक सब वहाँ खड़ा है, यहाँ भी तो कॉलेज है एक तो, हाँ यहाँ पर कम से कम बम्पर था वो भी लेवल बना दिया, इसको भी कम से कम करना चाहिए, कम से कम 2 सिविक यहाँ देना चाहिए, वहाँ पर भी है लेकिन ये जगह में कहे नहीं है, कहाँ है देखिए, कुछ नहीं है, जब ना जाके हुआ आज लड़की तो बच्चे की मरे को ठीक नहीं, अभी आया जब तक उसका सलाइन चढ़ गया अभी सिविक आया, यही बात है, लेकिन यही कहना। अच्छा दूसरा बात है, यहाँ बहुत सारा ऑटो खड़ा रहता है, क्या पैसेंजर ये सब कॉलेज कलर की लोग निकलते हैं ऑटो बहुत, ये भी थोड़ा देखना है कि ऑटो एकदम थोड़ा अपना साइड पर लगा, रास्ता छोटा हो जा रहा है, कैसे कैसे मेरा कल्याण डॉक्टर श्रीपल्ली घर आना। Hind Cosmetics, wholesaler and retailer, a store with variety of cosmetics, imitation jewelries and parlor products. Chahe aap ho makeup lovers ya fir makeup professionals, Hind Cosmetics mein available hai sabhi mahilaon ki zarurat ki cheeze, different brands, ek se badhkar ek designs, wo bhi wholesaler price mein. Hamare yahan bridal collection, cosmetic products, hair accessories, vanity box, lounge wear, perfumes and deodorants ke saath hi paaye aur bhi bahut kuch. To der kis baat की, आज ही विजिट करें हिंद कॉस्मेटिक्स, नोट करें हमारा एड्रेस, बस्तीन बाजार नियर इजराइल फैशन, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आसनसोल या बर्नपुर के एरिया में आप किसी अच्छे 2BHK या फिर 3BHK की कर रहे हैं खोज, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। पर्सनल ट्रांसफार्मर, रिजर्वर, स्टेयर्स, लिफ्ट, सिक्योरिटी के साथ ही साथ पाए पार्किंग की बेहतर सुविधा। गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इंटू रियलिटी।
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट एवं हॉस्पिटल से है ये अपार्टमेंट काफी करीब। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टेक्ट करें। हमारा एड्रेस है नियर ASN प्ले स्कूल, साउथ सोस्टी नगर, स्माइल, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups. At Payal Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Payal Multi Plaza, near Asansol Railway Station. क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। यार एक बात पूछो। हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। प्ले स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 साल से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कम्पेशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट पे। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल, हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, SB गुराई रोड, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विद फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल, 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280 25। पायल मल्टी प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर में स्थित वन सेंटर एक्सप्रेस में चल रहा है धमाकेदार ऑफर। जी हाँ, मात्र 249 रुपए में मिलेगा मेंस वेयर में शर्ट, टी शर्ट, शूज और पैंट्स। सिर्फ मेंस वेयर ही नहीं बल्कि किड्स वेयर, लेडीज वेयर एंड अदर एक्सेसरीज भी अवेलेबल है सिर्फ 249 रुपए में। ऑफर है सीमित समय के लिए, तो आज ही विजिट करें वन सेंटर एक्सप्रेस। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के खिलाफ कुलटी यूथ कांग्रेस की ओर से कल शाम मोमबत्ती जुलूस निकाला गया और घटना की पुरजोर मजम्मत की गई। कांग्रेस नेता रवि यादव ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी जाती है, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस अवसर पर काजल दत्ता, मनीष बर्णवाल, राजेश्वर शर्मा मुख्य तौर पर उपस्थित थे। तमाम महिलाओं की सुरक्षा का
कैंडल अपना अपना कैंडल एक एक करके शांतिपूर्वक यहाँ पर लगाएंगे और दो मिनट के लिए यहाँ पर शांति से मौन धारण करके उस बेटी का सम्मान के लिए, उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए हम तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। लाइट चलेगी ना उधर से, बनवा से ना बनवा से। दो लाइन कर दो, दो लाइन। हम लोगों का सर झुक जाता है, इसलिए हम लोग काला बैग मान के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग किस बंगाल में वास कर रहे हैं, किस बंगाल में। देखिए हमारे पीछे ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति है। सर बात यह है कि ईश्वर चंद विद्यासागर ने बंगाल को शिक्षा दिया, बंगाल को आगे ले जाने की सफलता को बढ़ाया। हम रविन्द्रनाथ ठाकुर की जयंती, हम लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर को मानने वाले हैं, हम लोग स्वामी विवेकानंद को मानने वाले हैं, देश को नहीं विदेश को बंगाल में बंगाल का नाम रोशन किया। हम कुछ दिन आगे कोलकाता शहर आर कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक घटना सामने आसे, जेखने एक महिला डॉक्टर उपरे रात्रि बेलाते दुष्कर्म करार पर और हत्या है। हमरा सबाई आज के तार प्रतिबाद जानावार जुन्ने हमरा आज के बैगुनिया मोड़े कैंडल मार्च करे एखानकार सरकार एखानकार जे गवर्नमेंट आछे ताके हमरा धिक्कार जानालम। हम लोग स्पष्ट रूप से जो बंगाल की बेटी है उसके साथ खड़ा है और जो निर्मम हत्या हुई है, जो बलात्कारी है, उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मांग को लेकर हम तमाम यूथ कांग्रेस के लोग पश्चिम बर्धमान जिला यूथ कांग्रेस की तरफ से बैगुनिया मोड़ में हम लोगों ने एक कैंडल मार्च किया है और उस कैंडल मार्च में यहाँ की सरकार को एक चेतावनी दी है कि जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, जो माँ माटी मानुष की बात करती है, जो खुद ही एक महिला मुख्यमंत्री है, उनसे हम तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो डॉक्टर महिला है, जो नर्स है, जो और भी हमारी महिलाएं हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग विभागों में काम कर रही हैं, वो अपने आप को आज असुरक्षित महसूस कर रही। आज आपको खुलकर सामने आना चाहिए और उन तमाम जो आरोपी हैं उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तमाम लोग यहाँ से आज सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और जो हमारी मुख्यमंत्री हैं और जो साथ ही साथ यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि आपकी निगरानी में एक हॉस्पिटल के अंदर जब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है तो आपको ये शर्म माननी चाहिए और आपको उस कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरा नाम रवि यादव है, मैं यूथ कांग्रेस का पश्चिम बर्धमान जिला यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। फिलहाल खबरों में इतना ही, खबरों के साथ फिर करेंगे आपसे मुलाकात, दीजिए मुझे इजाजत। आदाब। नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।